नमस्कार फ्रेंड्स, इंडिया टीवी ऑनलाइन पर चौक चौराहे से घाट जिला विधानसभा क्षेत्र। फ्रेंड्स, झारखंड में 2024 का विधानसभा चुनाव एक अहम मोड़ पे है और इस चुनाव में लोगों का रुझान बहुत महत्वपूर्ण है। लोग ये कहते हैं कि मेरे को कैसा विधायक चाहिए कि जो घाट जिला को बेहतर करे, विकसित करे और युवाओं का भविष्य का निर्माण करे। घाट जिला जो कि बिल्कुल एक बॉल है, घाट जिला एक हृदय स्थली है इस पूरे जमशेदपुर कोल्हान प्रमंडल का। वहां से चौक चौराहे से इंडिया टीवी ऑनलाइन पर कुछ व्यापारियों ने अपनी बातें रखी, क्योंकि अपनी बातों को रखकर उन्होंने बताया कि मेरे को कैसे लोग चाहिए जो घाट जिला को लीड करे। आपको पता है, व्यापारी, किसान, युवा जिसको चाहते हैं उसके सर पे ताज बनती है। तो आइए सुनते हैं उन व्यापारियों की बात जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, युवा है और अपने विधायक को सुनना चाहते हैं वैसा, जो घाट जिला को विकसित करे, युवाओं के सपने को पूरा करे और घाट जिला को वो दिशा और दशा दे जो झारखंड में नंबर वन हो सके। क्या नाम है आपका? मेरा सागर। सागर, क्या करते हैं सागर आप? अभी तो फिलहाल मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हैं आप? हम इलेक्ट्रीशियन है। इलेक्ट्रीशियन है, तो आप मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड है। हाँ। बहुत बढ़िया, ये तो आज के टाइम का, भारत का और झारखंड की ये पुकार है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। रोजगार लेने वाला नहीं, देने वाला बनना है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि 2024 से चुनाव का महापर्व चल रहा है, विधानसभा चुनाव झारखंड, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप अपनी सभी दोस्तों से, मित्रों से, कि चुनाव पर्व को कैसे सेलिब्रेट करें? मेरा कहना यही है कि कुछ भी, किसी को भी मत, अपना मत दे तो सोच समझ के दे, आगे हमारा पीढ़ी को देखते हुए, युवा साथी को। और अभी 2024 से जो चुनाव है, इसमें हम सब साथी को बोलेंगे कि अपना मतदान दे, समय निकाल के दे। सबका मतदान महत्वपूर्ण होता है और सोच समझ के मतदान दे, जिसे भी दे सोच समझ कर दे। बहुत सुंदर स्लोगन आपने कहा कि कोई भी मतदान करे, जरूर करे, और दूसरी बात कि जब भी मतदान करे तो ये देखे कि मेरा फ्यूचर किसके, 5 साल के लिए हम किसके हाथ में सौंप रहे हैं। तो 2024 विधानसभा चुनाव घाटशिला चौक पे हम लोग खड़े हैं, जादू गोरा गेट के सामने। तो क्या लग रहा है रुझान इस बार घाटशिला का युवाओं के मन में? युवाओं के मन में तो अभी रुझान यही लग रहा है कि बीजेपी आगे बढ़ेगा घाटशिला विधानसभा से, तो देखते हैं अब क्या होता है। और झारखंड में सरकार किसकी बन सकती है? झारखंड में तो सरकार बीजेपी की ही बनेगी। अच्छा, मैंने ये लग रहा है कि युवाओं के मन में बातें चल रही हैं जो आप ना कहना चाह रहे हैं। ठीक है, कोई अपील करना चाहेंगे वोटर से? वोटर से कुछ अपील नहीं है, बस यही है, जिसे भी वोट दे सोच समझ के दे, सब एक ही पार्टी के हैं सब, तो अपना वोट महत्वपूर्ण है, सोच समझ के दे, जिसे भी दे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? अमित गुप्ता। अमित जी, आप क्या करते हैं? मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। वेरी गुड, आप भी सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और आप रोजगार लेने नहीं देने वालों में से हैं। तो आप लोग तो गौरव हैं भाई झारखंड के, क्योंकि आप जैसे युवा से ही हमारा राज्य, क्योंकि आप अर्न करते हैं, टैक्स देते हैं, उसी टैक्स से रोड, सड़क, बिजली, पानी सब बनती है। तो क्या कहना चाहेंगे इस बार 2024 को लेकर के, क्या अपील करना चाहते हैं आप? बस सब साथियों को बोलेंगे कि वोट दें, अपना वोट छोड़े ना, और कोई अच्छा सरकार बनाए हमारे घाटशिला विधानसभा में। और हम सभी युवाओं से बोलेंगे कि सोच समझ कर और ध्यान से वोट दें और एक अच्छा कैंडिडेट खड़ा करें। और हम लोग अभी तो ये घाटशिला विधानसभा में बीजेपी का बहुत अच्छा चल रहा है, और हम चाहेंगे बाबूलाल सुरेन हम लोग को जो है नेता है, वो जरूर से जरूर अच्छे वोट से जीते जी। तो क्या लग रहा है कि इस बार मैं देख रहा हूँ कि युवाओं का बड़ा जोश है चुनाव को लेकर, क्योंकि चुनाव सभा में भी, रैली में भी आप लोग जो है हजारों की संख्या में निकल रहे हैं, और चाहे जिस पार्टी के भी हो, और चुनाव का माहौल एकदम काफी सरगर्मी भरा है, ऐसा लग रहा है कि जोश से भरा हुआ चुनाव है। तो क्या कहना चाहेंगे इस बार की, क्या बदलाव की हवा चल रही है झारखंड में सरकार बनाने की? जी, इस बार झारखंड में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है और बहुत खुशी होगी कि हम लोग का नेता, अच्छा नेता चुने गए और कुछ अच्छा हो हमारे झारखंड में। जी, कितनी सुंदर बात है। देखिए, यही कहा जाता है ना कि युवाओं के सपने भारत के सपने हैं। तो आप अपने, अमित जी, क्या अपील करना चाहेंगे सभी वोटर से, जो भी पूरे झारखंड में चैनल को देख रहे होंगे, उन सबको क्या कहना चाहेंगे आप? सभी साथियों को बोलना चाहेंगे कि
सब अपने घर से निकले, सभी दोस्तों बहनों एवं परिवार वाले वोट दे, जरूर से जरूर अपना वोट ना छोड़े और अच्छे कैंडिडेट को जरूर जिताए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको अमित जी।